हेलो बेटा, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, की आयो। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में ता थर्मल एक्सपेंशन डिस्कस कई हुई। हाँ, वरी पा लीनियर आई वॉल्यूम जो ब किस्म जो एक्सपेंशन पढ़ियों ना, इनजा कुछ एमसीक्यूज या इनकी पॉसिबिलिटीज से पा थोड़ो गाली। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन जहाँ लीनियर इन के हिसाब से हलो हाँ पा कुछ एमसीक्यूज गालों उनका अगत बदूँ। फॉर एग्जाम्पल, पा जनरली गाल क्यों था? ओके, क्यूब each of dimension L, a cube each of dimension L is heated from T1 degree centigrade to T2 degree centigrade such that each dimension expand to 3L। ठीक है, हाँ मैं समझाएं तो स्टेटमेंट के तब पैंजी तरीके से पुट इनके थोड़ा पढ़ी हटो। हाँ, इनमें ब पॉसिबिलिटीज हैं या इनमें पान ब मुख्तलिफ एम सी क्यूज की गाल करे सकूँ था। नंबर वन, पहली गाल, द वॉल्यूम एक्सपेंशन इज डैश। पहली गाल करे दो तो वॉल्यूम एक्सपेंशन केतरी थी दी? ऑप्शन ए 27L³ खाली L³, ऑप्शन सी 26L³, 9L³। अच्छा, नंबर टू, द फाइनल वॉल्यूम ऑफ क्यूब विल बी ऑप्शन ए 27L³, L³, 26L³, 9L³। ठीक है। अच्छा, हाँ एकड़ो क्यूबिकल शेप हुयो जो हर डायमेंशन गर्म करण का पहरी एल हो, माना लेंथ भी एल, विड्थ भी एल, हाइट भी एल, द काइंड ऑफ यूनिफॉर्म क्यूब वी आर टॉकिंग अबाउट ना। अच्छा, गर्म जो कयो था ना, तो ईच डायमेंशन एक्सपेंस टू 3L। प्रीवियसली इट वॉज एल, नाउ एक्सपेंस टू 3L। सो हाँ अवा का गाल करे तो बुधायो तो एक्सपेंशन जी स्टोरी की आ। हाँ पेरी पेरी पुट दसो, हर डायमेंशन पैरिया घणो हो एल, गर्म करण का हर डायमेंशन घणो थो 3L थो, माना लेंथ भी 3L, विड्थ भी 3L, हाइट भी 3L। तो पेरी चवे थो तो वॉल्यूम एक्सपेंड थो के बाबा मुझा, वॉल्यूम एक्सपेंशन माना चेंज इन वॉल्यूम। गुजरे लेक्चर में तक बुधायल आ तो चेंज इन वॉल्यूम जो मतलब आ फाइनल मां ओरिजिनल माइनस कर। अच्छा, हाँ पे पा गोल्यूं तो ओरिजिनल वॉल्यूम केतो ए फाइनल वॉल्यूम केतो, यो तो गोल्यू बुट ये ना बाबा। हलो, ओरिजिनल वॉल्यूम माना ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल विड्थ, ओरिजिनल हाइट इज इक्वल टू ओरिजिनल वॉल्यूम, एल इंटू एल इंटू एल प्रोड्यूसिस L³। अच्छा, फाइनल वॉल्यूम केतो थो यो गोल्यो, फाइनल लेंथ दिसो ना, हर डायमेंशन 3L थी, माना लेंथ भी 3L थी, फाइनल विड्थ 3L, फाइनल हाइट 3L, 3 × 9, 9 × 3 = 27L³। Now you are talking about the change. The change in volume would be final volume minus initial volume. 27 ma ekdo minus kare to baki bacha 26. The 26L³ che sakye tho. So correct answer in jo thyo third option C. Theek beto, chakan the change in volume di gal kare tho na to po pani gana si. अच्छा, एग्जैक्टली इन द सेम वे द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, माना क्यूब सजे जो वॉल्यूम फाइनल घणो थो मथे थो पे सिंपल था, फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल लेंथ इनटू फाइनल विड्थ इनटू फाइनल हाइट, सो इट टर्न्स टू बी 27L³। सो करेक्ट आंसर हेयर आफ्टर इट वुड बी ऑप्शन ए, सिंपल है। तो ऐसो हाँ इन करण जो साधो मतलब यो तो यूनिफॉर्म क्यूब हो नहीं। अच्छा बेटा, जेकर नॉन यूनिफॉर्म क्यूब हुए तो, अच्छा नॉन यूनिफॉर्म माना लेंथ एल आ, विड्थ 2L आ, हाइट 3L आ,
तो वो डेफिनेटली पोइ वरी असां उनजे मुताबिक कंदासीं, ठीक आहे न। यूनिफॉर्म क्यूब जे हिसाब सां हर डायमेंशन जो एलो त असां भी उन तरीक़े सां सिंप्लीफिकेशन करे सघूं था। हलो हिकिड़ो सिंपल कॉन्सेप्ट इहो थियो, वरी हिकिड़ो इन एक्सपेंशन जे हिसाब सां हिकिड़ो पाण ॿियो था कयूं। ओके हाणे नओं वारो जेको हाणे पाण कयूं था इनखे तव्हां थोरो ध्यानु ॾियो। फॉर एग्ज़ाम्पल मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज हीटेड फ्रॉम T1 डिग्री सेंटीग्रेड टू T2 डिग्री सेंटीग्रेड सच दैट इट एक्सपेंड्स टू वॉल्यूम ऑफ रेडियस आर डैश। ओरिजिनल ही आ फाइनल ही थियो तो पोए देन वॉल्यूम एक्सपेंशन इज डैश। इन में जेका वॉल्यूम एक्सपेंशन थींदी उहा केतिरी थींदी, हाणे हिन में चंद ऑप्शन्स आहिनि। ऑप्शन ए 4/3 पाए आर क्यू, ऑप्शन बी 4/3 पाए आर डैश क्यूब माइनस आर क्यू, 4/3 पाए आर क्यूब माइनस आर डैश क्यूब, 4/3 पाए आर डैश क्यूब। थोरो मैथमेटिकल आहे, अवां इन ते थोरो ॻाल्हि रखी सघो था पुटु, थोरो ध्यानु ॾियो। अच्छा हिकिड़ो स्फीयर आहे बाबा, ही रहियो अवांजो स्फीयर जंहिंजो ओरिजिनल रेडियस हुयो आर। त डेफिनेटली फस्ट यू नीड टू गो थ्रू द ओरिजिनल वॉल्यूम। अवां फस्ट ईयर खां मैट्रिक क्लास खां पढ़िया हूंदो त वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो जनरल एक्सप्रेशन जेका आहे उहा कीअं हूंदो पुटु, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कैन बी बेस्ट अप्रोक्सीमेटेड लाइक 4/3 पाए आर क्यू, ईअं हूंदो ठीकु आहे। Now what you need to do? You need to heat it, na? अवां जो गरम कयो त चवे थो त नओं असांखे स्फीयर मिलंदो डेफिनेटली एक्सपेंशन जे करे, कुझु इन तरीक़े सां ही डायग्राम ठीकु आहे। त रेडियस बि नयो वारो न पुटु, हाणे नयो वारो रेडियस आहे आर डैश, त बाबा वॉल्यूम बि नओं। अच्छा फाइनल वॉल्यूम आफ्टर हीटिंग कैन बी बेस्ट अप्रोक्सीमेटेड लाइक 4/3 पाए आर डैश क्यूब। थोरो डिफ्रेंशिएट कयूं था, इनखे आर वन चओ त इनखे आर टू चओ भले, या वन ऑफ द रेडियस इज आर एनदर इज लाइक आर डैश, इन तरीक़े सां करे वठो। खैर चेंज इन वॉल्यूम जी ॻाल्हि करे थो न, त वॉल्यूम एक्सपेंशन केतिरो थियो तव्हांखां पुछे थो। अच्छा डेल्टा वी वुड बी इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम माइनस ओरिजिनल। फाइनल केतिरो अथसि 4/3 पाए आर डैश क्यूब, ओरिजिनल घणो आहे बाबा 4/3 पाए आर क्यूब। कहिड़ी शइ कॉमन आहे 4/3 पाए कॉमन आहे, हिते छा बचियो आर डैश क्यूब, हेॾे छा बचियो इहो बचियो, सो दैट्स इट। सेकेंड ऑप्शन बी अवांजो सही आहे, ईअं न। सो इन तरीक़े सां पाण वॉल्यूम एक्सपेंशन बि करे सघूं था। हलो हिकिड़ी ॻाल्हि आहे, नंबर ॿी ॻाल्हि, ओके होलो स्फीयर एज शोन इन फिगर इज हीटेड देन। अच्छा हिकिड़ो स्फीयर आहे जेका अंदरां खाली आहे, मतिलबु होलो स्फीयर आहे ठीकु आहे, कुझु इन तरीक़े सां हीउ स्फीयर आहे, अंदरां भला खाली आहे थोरो ठीकु आहे, हीउ अंदरां खाली आहे होलो स्फीयर ई आहे न। ओके सो हिन जे लाइ तव्हां कुझु ॻाल्हियूं करे थो, सो ॾिसूं था। अच्छा हिन में कुझु ॻाल्हियूं तव्हांखे मां ॿुधाए वञा, पहिरियां स्पेसिफिकेशन्स ॿुधाए वञा थोरो, तव्हां पहिरियां ते ॾिसो त हितां खां हेसि ताईं ही इन जो रेडियस आहे इनर रेडियस, ख़बर आहे अंदरूनी तौर ते रेडियस केतिरो आहे, ज़ाहिर कुझु न कुझु थिकनेस हूंदी न, त सेंटर खां वेझो जेको बाउंड्री आहे इनर रेडियस था चऊं इहो आहे। अच्छा बाउंड्री जेका एज आहे माना ॿाहिरियों जेको रेडियस आहे उहा ई आहे, मिसाल तौरु पाण चवंदा आउटर रेडियस आर टू ठीकु आहे। हाणे इन में सवाल कुझु ईअं आहे, देन ऑप्शन ए इनर रेडियस इनक्रीज़िस बट
आउटर रेडियस डिक्रीजेस, ऑप्शन ए, इनर रेडियस डिक्रीजेस बट आउटर रेडियस इंक्रीजेस, बोथ इनर एंड आउटर रेडाया रेडियस प्लूरल इंक्रीज, बोथ इनर एंड आउटर रेडाया डिक्रीज। ठीक है, अच्छा पुट, ही थर्मल एक्सपेंशन आ, ही एकड़ो होलोस्फीयर आ मेड ऑफ एनी काइंड ऑफ मेटेलिक, ता वाजे तरीके से भले करे छियो होलो मेटेलिक स्फीयर भले थोरो सो लाई दे। अच्छा, इन के पान कयो था गरम, त गरम करण सा चे तो त इनर ए आउटर रेडियस जी फिनोमेना छा हुंदी, छा मतलब एक्सपेंशन त कंदो न पुट, ही थोरो वडो थी वंदो था फिनरे। अच्छा, न वडे थन सा इनर रेडियस ते केडो फर्क पोंदो, आउटर ते केडो पोंदो, त डाडी एकड़ी सादी गाल, जदे तमा गरम था कयो ना, त मिसाल तो रन जो नो डायमेंशन ही देयो ही थी दो, मिसाल तो रगड़ी गाल लगियो ना, तो डेफिनेटली आउटर वध्यो पुट, ए इनर भी श्योरली वध्यो हुंदो, इनर ए आउटर बई वध्या हुंदा, छो छकन मटेरियल हिकड़ो आ ना, तो थर्मल एक्सपेंशन में छा थिंदो आ, हिकड़े ही मटेरियल आ, तो सबई मॉलिक्यूल जेके एक्सपेंड कंदा उआ हिकड़े ही तरफ कंदा ना, बिकॉज ऑफ सेम प्रॉपर्टीज, ई ना द इनर अंदर थिंदो ए हो वरी बाहर थे, इट इज नॉट लाइक दैट, ही स्फीयर जेको आ ऑल इन ऑल वॉल्यूम वध्यो ओवरऑल, तो सभी जो मॉलिक्यूल्स वो एक बे के परे परे कंदा, तो इंटर्न्स वी के जनरली कैन से के ओवरऑल अवजो वॉल्यूम वो थो, तो इनर ए आउटर बई वध्या पुट, इट वॉन्ट बी लाइक के इनर वेझो थो आउटर वो ही को। ठीक है, तो ढो सिंपल, बोथ इनर एंड आउटर एडाया इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, नयों वो जो वह डायग्राम कुछ इन तरीके से ही थो, इनर भी वो आउटर भी वो, ही को अंदरूनी तरफ ही थोड़े अंदर जो होल आज को घट थी वो या इनर जो स्पेस है वह घट थी पुट, ही को इनर एंड आउटर एड आया बोथ इंक्रीजेस, तेन जो करेक्ट आंसर सेकेंड ऑप्शन बी थो। हलो सागी तरीके से वरी अड़ो बो, इफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोई भी पर्टिकुलर मेटल आ उन जो, ऑफ मेटल इज 1.1 इंटू 10 पावर माइनस 5 केल्विन इनवर्स, देन कोएफिशिएंट ऑफ इट्स क्यूबिकल एक्सपेंशन इज डैश, ऑप्शन ए, हाँ इनमें चंद ऑप्शन आन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, अच्छा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जेकडे मिलेला बुधायो तो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन केतरो थिंदो, बाबा मुंजा कल तांके मुगड़ी गाल बुधाई हुई, तो वॉल्यूम एक्सपेंशन जो कोएफिशिएंट तांके दिनल नाय हुंदो वो तां लीनियर एक्सपेंशन मां वठंदा आयो है ना, उन जे वठन जो जेको तरीको आ डाडो सादो, बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा, हां इया गाल अजा तई पान वाजे कोन कई, प्रूव कोन कयो आ, कमिंग लेक्चर में इनके प्रूफ कबो, पर अवां गाल करे सको था बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा, यो हाँ एक कम कर बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा में वैल्यू पुट कर 3 सागो अल्फा जो वैल्यू घो अवेनो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन में अल्फा अल्फा पुट तक मिले 1.1 इंटू 10 पावर माइनस 5 मल्टीप्लाई जो कह इट प्रोड्यूस 3.3 इंटू 10 पावर माइनस 5 यूनिट सागे वन जो, सो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी थो। ठीक है, अच्छा वरी सागे तरीके से जो केर पुछे द ऑर्डर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ मेटल इज डैश, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी
या ऑप्शन डी। अच्छा माना छा खबर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जा जेके वैल्यूज आइन जेके अवां जे बुक में मौजूद भी आइन मु तांके कल टियोनी डिस्कशन कई हुई ए पेज नंबर 5 आई थिंक अवां जे बुक जो उनमें दिसो वैल्यू लिखिया पेन पुट उनमें दिसो त अल्फा बीटा या अल्फा जा जेके वैल्यूज तांके डिफाइन आइन उन जो इनटू 10 पावर केतरो माने अगे कुछ बुझे भले पर मल्टीप्लाई बाय पावर घणो आ ए सब दिसो सबनी में मल्टीप्लाई बाय पावर -5 आ ए जेकर -5 आ त असा इन इनटू 10 पावर जेको एक्सपोनेंशियल हुंदो आ या जेको एक्सपोनेंट ता जो हुंदो आ इन में ना इन जो नालो असा रखूं दा ऑर्डर जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू 10 पावर -11 ऑर्डर 10 पावर -1 प्लैंक्स कांस्टेंट 10 पावर -34 अकॉर्डिंगली यू नीड टू फॉलो द ऑर्डर सो हियर इन दिस केस द ऑर्डर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन इज आस्क्ड सो यू नीड टू गो थ्रू 10 पावर -5 अच्छा उन टेबल में तां दिसो ब कॉलम आइन एकडे में -6 भी लिखल हुंदो त माइनस इन तरीके सा लिखल असा केडो फॉलो कयूं बाबा अवां स्टैंडर्ड नोटेशन के बेस ते साइंटिफिक नोटेशन जो पहिरियों ऐं बुनियादी उसूल इहो आहे त डेसिमल शुड बी प्रेज़ेंट आफ्टर 1 नॉन ज़ीरो डिजिट त 1 नॉन ज़ीरो डिजिट जे हिसाब सां ॾिसो त पावर थींदो -5 -6 वारो कॉलम न -5 वारो ठीकु न सो इहो थियो हाणे इहे तव्हांजा थी विया होमवर्क हाणे तव्हांजो आहे कुझु हिननि एम सी क्यू थी वञण खां पोइ अव्हांजे बुक जो प्रॉब्लम नंबर 11.2 ऐं 11.3 ही बई जा बई तव्हां कजो ही बई जा बई हाणे तव्हां खां थी वञणु खपनि हिकिड़ो लीनियर एक्सपेंशन जो आहे ॿियो स्फेयर जो आहे छाकाणि त स्फेयर जो एम सी क्यू थी वियो आहे त ही प्रॉब्लम एनी हाउ तव्हांखे करणा पवंदा सो दैट्स इट इनशाला नेक्स्ट लेक्चर में पाण बीटा इज़ इक्वल टू 3 अल्फा के प्रूव कंदासीं सो ही तव्हां नोट करे वठो थैंक यू वेरी मच।